हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई डिस्क्राइब अबाउट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। पहले तो बताया गया है, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू ए कंज्यूमर। इफ ए कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फॉर फ्रॉम ए कमोडिटी, ही वुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। बताया गया है कि जो एक कमोडिटी, एक वस्तु होती है, उसकी डिमांड जो होती है उस कमोडिटी के यूटिलिटी पर निर्भर करती है कि उस कमोडिटी से एक कंज्यूमर को कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है, कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं एप्पल है, एप्पल से एक कंज्यूमर को कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। अगर एक कंज्यूमर है उसको एप्पल से ज़्यादा ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होगी तो वह कंज्यूमर एप्पल को खरीदने के लिए ज़्यादा मूल्य का पेमेंट कर सकता है, ज़्यादा प्राइस का पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है द डिमांड फॉर ए कमोडिटी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू ए कंज्यूमर। बताया गया है कि उस कंज्यूमर को उस कमोडिटी से कितना यूटिलिटी प्राप्त होता है उसके आधार पर हम डिमांड उस वस्तु की वह करता है। इफ ए कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी, अगर किसी कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा क्या होती है यूटिलिटी प्राप्त होती है, किसे कमोडिटी से, कमोडिटी से ज्यादा यूटिलिटी प्राप्त होगी तो वह कंज्यूमर उसके लिए क्या हायर प्राइस पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत अगर एक कंज्यूमर को क्या होती है लेस यूटिलिटी प्राप्त होती है एक कमोडिटी से तो वह उस प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस का पेमेंट ही करना चाहेगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या बताता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा है कि एक कंज्यूमर जो होता है वो बिहेव करता है कि उस कमोडिटी से उसे कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। अगर एक कमोडिटी से कंज्यूमर को हायर यूटिलिटी प्राप्त होगी तो वह कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस पेमेंट करेगा। अगर उस कंज्यूमर को उस कमोडिटी से लोअर लेस यूटिलिटी प्राप्त हो रही है तो वह क्या करेगा, वो लेस प्राइस पेमेंट करेगा उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है यूटिलिटी, यूटिलिटी का हम यहाँ कई बार जिक्र कर रहे हैं, तो बताया गया है यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी हम किसे कहेंगे, तो बताया गया है यूटिलिटी के लिए कि यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, अरे सेटिस्फाइंग पावर। अगर एक कंज्यूमर है, अगर किसी कोई कमोडिटी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, ज़्यादा सेटिस्फाई करती है तो उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करना चाहेगा और कंज्यूमर के लिए उसकी यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इट इज़ ए सब्जेक्टिव एंटिटी, क्या है, सब्जेक्टिव एंटिटी है। ये बताया गया है यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम्स एंड प्लेस टू प्लेस डिफर करता रहता है। बताया गया है एक कमोडिटी है वो किसी पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी, उस कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा हो सकती है एंड एक पर्सन है उसकी, उसके लिए उस कमोडिटी की यूटिलिटी कम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वही यहाँ बताया गया है इट इज ए सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट जो हमारा है पर्सन हो सकता है, पैलेस हो सकता है, टाइम हो सकता है। एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन क्या करता है यूटिलिटी वेरी करता रहता है। इट शुड बी नोटेड दैट यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस। बताया गया है कि इट इज शुड बी नोटेड, आप इसको नोट कर लीजिए कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस ये क्या होती है, ये डिफरेंस थिंग्स है, ये सेम चीज नहीं है। मतलब यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यूटिलिटी जो होती है हमारी उस सेटिंग साइज पावर होती है, जैसे क्या होता है कि एक सिगरेट है, सिगरेट एक सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट क्या है, एक उपयोगी वस्तु है, उसके लिए सिगरेट क्या करता है यूटिलिटी प्रोवाइड करता है उस सिगरेट पीने वाले के लिए। लेकिन हमें यह भी बताया गया है कि जो होती है सिगरेट जो होती है वो इंजीरियस टू हेल्थ होती है, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी वो यूजफुलनेस स्वास्थ्य के लिए यूजफुलनेस नहीं है, वो क्या है, वो हानिकारक चीज़ है सिगरेट। लेकिन एक सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट क्या है, उपयोगी चीज़ है, सिगरेट उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है एक सिगरेट पीने वाले के लिए।
बताया गया है यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन एडवांस्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम क्या है डिफरेंट थ्योरी डेवलप की गई है एंड दस इसलिए टू एक्सप्लेन हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू इम्पॉर्टेंट थ्योरी आर। यहाँ बताया कि कंज्यूमर के बिहेवियर को नापने के लिए जो होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो दो तरह की थ्योरी हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी थ्योरी है इसको हम देखते हैं। बताया गया है एक थ्योरी हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाई मार्शल। एक जो मार्शल है एक इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या किया है डेवलप किया है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डेवलप किया है और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है तो एक होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसको कि डेवलप किया गया है हिक्स एंड एलन के द्वारा। अब यह बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी की क्या विशेषताएं होती है इसको हम समझते हैं। बताया गया है रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि यूटिलिटी जो होती है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट रखती है मतलब कि एक ए डिफर करती है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब है कि जो यूटिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन पैलेस टू पैलेस टाइम टू टाइम। बताया गया है कि एक अम्ब्रेला है अम्ब्रेला मीन्स छाता जो है उसका मानसून सेशन में जो होता है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अदर सेशन यानी जो बरसात का मौसम आता है तो छाते की जो होती है यूटिलिटी बढ़ जाती है। एक पर्सन छाते को खरीदने के लिए अधिक प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अगर छाते का प्रयोग अगर हम किसमें करना चाहें स्प्रिंग मतलब जो बसंत का मौसम है या जाड़े का मौसम है उसमें जो अम्ब्रेले का उपयोग क्या होता है कम होता है यानी उस समय उसकी यूटिलिटी जो होती है कम होती है एंड कंज्यूमर उसके लिए कम प्राइस का प्राइस पेमेंट करने के लिए ही तैयार होता है। और इसीलिए बताया गया है प्लेस जो प्लेस होता है जैसे क्या होता है कि रेगिस्तान जो रेगिस्तान होता है वहाँ पानी की जो यूटिलिटी होती है वो अधिक होती है पानी की यूटिलिटी रेगिस्तान में अधिक होती है इन कंपेरिजन टू जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी जो होती है वाटर की यूटिलिटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर वह इजीली अवेलेबल होता है वाटर। लेकिन जो मरुस्थली क्षेत्र है जहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होता है वाटर वहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है और एक कंज्यूमर उसके लिए ज़्यादा प्राइस का पेमेंट करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए बताया गया है टाइम प्लेस एंड पर्सन पर्सन एक पर्सन है एक पर्सन के लिए सिगरेट जो सिगरेट पीने वाला एक पर्सन है उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी है लेकिन एक पर्सन है जो कि सिगरेट का कंज्यूमशन नहीं करता है तो उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी नहीं है। अब बताया गया है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट वन एंड द सेम। बताया गया है यूटिलिटी एक सिगरेट है सिगरेट पीने वाले के लिए यह यूजफुल है एक क्या है सॉरी एक सिगरेट है जो कि सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट की यूटिलिटी है माने उसके लिए उपयोगी है। एक पर्सन है पी जो कि सिगरेट का सेवन करता है उसके लिए सिगरेट क्या है उपयोगी वस्तु है यानी सिगरेट उसके लिए यूटिलिटी रखती है और वो सिगरेट को खरीदने के लिए परचेज करने के लिए एक प्राइस का पेमेंट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक जो पर्सन है क्यू एक पर्सन है जो क्यू वो सिगरेट का सेवन नहीं करता है यानी उसके लिए सिगरेट जो होती है वो अनफुलनेस होती है यानी उसका वो उसके लिए वह उपयोगी चीज नहीं है। तो बताया गया है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट वन एंड सेम। एक जो कमोडिटी है वो क्या हो सकती है वो उसके लिए वो उपयोगी हो सकती है लेकिन वह यूजफुलनेस हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे सिगरेट है सिगरेट
उपयोगिता प्रदान करती है, यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन सिगरेट हमारे लिए क्या होती है, इंजीरियस टू हेल्थ होती है, यह किसी भी पर्सन के लिए यूजफुल नहीं हो सकती है क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ठीक है, तो यह सब्जेक्टिव कंसेप्ट बताया गया है कि सब्जेक्टिव कंसेप्ट यानी एक पर्सन के लिए कोई कमोडिटी क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, और वही कमोडिटी दूसरे पर्सन के लिए क्या हो सकती है, उपयोगी नहीं हो सकती है। बताया गया है कि ये जो पर्सन टू पर्सन हमारी यूटिलिटी क्या करती है, वैरी करती रहती है। इसी तरह बताया गया है इथिकली न्यूट्रल क्या होता है कि इथिक्स हम कैसे कहते हैं, इथिक्स हमें बताता है कि कोई व्हाट इज गुड क्या सही है, व्हाट इज बैड क्या गलत है, व्हाट इज मोरल व्हाट इज इमोरल, ये हमें इथिक्स बताता है। बताया गया है को जो इकोनॉमिक्स में जो एक गुड्स होती है वो बैड है या गुड्स है या मोरल है या इमोरल है, एक कंज्यूमर बिहेवियर में नहीं, इटुलटी ये नहीं बताती है कि कोई गुड्स अच्छा है या कोई गुड्स बुरा है। बताया गया है कि एक सिगरेट, एक जो एल्कोहल होता है, इसमें हम एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक एल्कोहल होता है क्या होता है कि यह एक बैड प्रोडक्ट है, यानी एल्कोहल जो है हमेशा इंजीरियस टू हेल्थ होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन एक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब की यूटिलिटी होती है। और बताया गया, इसलिए बताया गया है कि जो यूटिलिटी होती है ना वो बैड प्रोडक्ट एंड गुड प्रोडक्ट पर इक्वली अप्लीकेबल होती है। यूटिलिटी एंड प्लेजर आर नॉट वन एंड द सेम, ये भी ठीक है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, अच्छा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, ये क्या कह रहा है, बताया गया है कि यूटिलिटी जब हम कोई कमोडिटी का परचेज करते हैं, जब हम कमोडिटी परचेज करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि यह जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं ये हमें कितनी उपयोगिता प्रदान करेगी, ये हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन सेटिस्फेक्शन जब होता है जब हम इस कमोडिटी का यूज करते हैं, यानी जब हम इस कमोडिटी को हम परचेज कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि ये हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन जब इसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस समय ये हमके बताएगी कि इस कमोडिटी से हमको कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, जब हम एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस समय हम उस कमोडिटी के यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं कि यह कमोडिटी हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगर हमें लगता है कि यह कमोडिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी तो हम इस कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस का पेमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब उसको आप कंजप्शन करेंगे तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, और ये सेटिस्फेक्शन जैसा हम चाहेंगे वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी परचेज करते समय अगर हमको लगता है कि एक कमोडिटी हमको इतना सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगी, लेकिन कंजप्शन करने पर ऐसा हो सकता है कि एक कमोडिटी हमें सेटिस्फेक्शन ना दे, या कम सेटिस्फाई करे या अधिक सेटिस्फाई करे, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों में क्या है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन में अंतर है। सेटिस्फेक्शन जब हम कोई प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं तब हमें प्राप्त होता है, और जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं यानी यूज करना चाहते हैं या उसको परचेज करते हैं तो हम उसके यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं। नॉट मेजरेबल, बताया गया है यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिक्स टर्म से। यूटिलिटी जो होती है एक फीलिंग होती है, यूटिलिटी को हम फील कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने से हमको इतना यूटिलिटी मिलेगा, ये ऐसा हम फील कर सकते हैं, और इसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बताया गया है डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ वांट, इसका मतलब यह है कि जैसे एक वाटर है, अगर हमें अगर प्यास लगती है, अगर हमें प्यास लगती है तो इस वाटर की यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक वाटर वाटर है लेकिन जब हमें प्यास नहीं लगी है,
प्यास नहीं लगी है तो इस वाटर की हमारे लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी यही बता रहा है, जब इंटेंसिटी ऑफ वांट, जब हमको उसकी क्या होती है, वांट होती है, महसूस होती है, जरूरत महसूस होती है, तभी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी हमारे लिए होती है, अन्यथा नहीं होती है। बताया गया है यूटिलिटी फॉर्म्स बेसिक ऑफ डिमांड, बेसिस ऑफ डिमांड, जो एक प्रोडक्ट की डिमांड की जो बेसिस है वो क्या है, यूटिलिटी है। अगर किसी एक कंज्यूमर को अगर एक कमोडिटी से यूटिलिटी प्रोवाइड होती है तो वह उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा, डिमांड उस प्रोडक्ट की डिमांड वो करेगा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट से इसको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलती है, यूटिलिटी नहीं मिलती है, तो वह उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, नहीं करेगा, चाहे उसको वो फ्री में ही क्यों ना दिया जाए। यानी अगर एक कंज्यूमर है, अगर उसको किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वह उसके लिए कोई भी प्राइस पेमेंट करने को तैयार नहीं होगा। अगर उसको कोई कहेगा ना, लो भाई ये फ्री में तुम ले जाओ ना, तो भी वह नहीं लेगा। तो ठीक है, हम अपने इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कैसे नापते हैं, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।